जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम खेतों के साथ अपने दिन का आगाज़ क्या करेंगे, तो माशाल्लाह मेरे पीछे देखिए कितना खूबसूरत खेत और कितनी प्यारी फसल उगी हुई है। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और हाँ जी, एक बार फिर से बादल गायब, हल्के हल्के बादल हैं और धूप के साथ अच्छा टेस्ट होगा आज के दिन का। लेट्स एंजॉय द डे। जी तो फसल की सूरत आ रही है जी, तितलियाँ आ चुकी हैं, बाहर भी आ चुकी हैं। आयो आयो मेरे पास आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। ओहो फोकस ही नहीं खत्म हो रहा भाई, ये फोकस ही नहीं हो रहा। अब हुआ, थोड़ी तितली दिखाते हैं, अगर वो उड़ ना गई तो। मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ तितली दिखाने के लिए। देखिए ये बैठी हुई है माशाल्लाह। हाँ भाई कैसी हो? तेरी बाहर का मौसम आ चुका है और हम कुछ इस तरह अंदर घुस के आए थे। लाइक दिस तरह तरह के फूल आ गए। लुक एट दिस वन। ओह ये है मेरा गांव, गांव की खूबसूरती। तो जी आज हम आपको बताएंगे कि पतंग कैसे बनाया जाता है हाथों से। हाथों से मुराद मतलब एक शापर लेकर उसे कैसे बनाया जाता है। ये पतंग किसने बनाया जी आप में से? साइम ने बनाया जी। और अभी एक और बनाने के लिए आपको बताते हैं, सिखाते हैं। अच्छा जी, तो ये एक रैंडम शापर है जी, ये अभी बनाएंगे मिस्टर इब्राहिम। इब्राहिम साहब को हाई कीजिए, इनको आपने पहले व्लॉग में देख सका होगा। ये बना लेते हैं और आज आपको बताते हैं कि कैसे बनाया जाएगा पतंग हाथ से। एज यू कैन सी साइज में थोड़ा छोटा है, शापर के हिसाब से होता है। ऐसे होता है जी yes. कि जितना साइज का शापर है उस साइज का बनेगा। ठीक है, ये झाड़ू का तिनका लिया गया, सही है जी? yes. बताते जाओ यार, हाँ साइन बताएगा जी हमें। झाड़ू का तिनका लिया जी जी, ये यहाँ से बंद। ठीक है, ऐसे सही सही। ये देखें जी, यहाँ पे ये ऐसे ये इस तरह लगाते हैं जी। फिर यहाँ से डोर बंद है। किधर से डोर बनते हैं? ये इधर से एक स्ट्रॉक। ठीक है ठीक है, डोर बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इधर दो सही, यहाँ पर भी डोर बांधते हैं। ये दो इस तरह बना देते हैं, इस तरह। फिर उसके बाद यहाँ से आके डोर बांधते हैं, इधर से बांधते हैं, फिर उड़ाने लग जाते हैं। सही सही, वाह भाई वाह। ये अगर आप मुझे बेचो कितने का दोगे? ये हाँ ये 20 रुपए का। 20 रुपए का? ये साइज छोटा है जी, इसलिए 20 रुपए का। बड़ा साइज होता तो 50 रुपए का। सही दे दोगे? ये पतंग बनाने के लिए जो चीजें चाहिए उसमें सबसे पहले ये झाड़ू है, ये देखिए इसके तिनके इस्तेमाल होंगे। उसके बाद एक अदद कैंची और एक अदद शापर, कोई भी आप रैंडम शापर ले सकते हैं। इसको एक तरतीब से काटा जाएगा। और अभी काटने लगे हैं मिस्टर इब्राहिम, तो ज़रा देखिएगा कैसे काटेंगे। ठीक है, ये शापर के नीचे वाले साइड से ये काट रहे हैं और इसी तरह शापर के ऊपर वाली साइड से भी ये काट दिया। और अब ये इस तरह एक होल बन गया, दोनों तरफ से ना ओपन हो गया, इधर से भी ओपन हो गया। और मैं इधर आपको हाथ लगा के दिखाता हूँ ऐसे, ये देखिए तो ये दोनों तरफ से ओपन हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे जी? बिल्कुल प्लान करना है चारों तरफ से। हाँ अच्छा जी, फोल्ड किया इन्होंने। फोल्ड करने के बाद अच्छा जी इस तरह फोल्ड किया, सही। अब ये यहाँ से काटेंगे इसको। ये क्या कर रहे हैं आप, इसे बराबर कर रहे हैं चारों तरफ से? ठीक है, इसे रेक्टेंगल, अच्छा दो दो हिस्सों में डिवाइड होगा जी। एक वो बन गया, इससे दो बन सकते हैं। अच्छा जी एक से दो बन सकते हैं जी। अब ये इसको काटने लगे एक ही शेप में, ये देखिए। मकसद है कि दोनों को बराबर करना है, ऐसा ही है जी। ठीक है, दैट्स गुड। सो हम देखिए जरा, एक स्क्वायर बन गया चारों तरफ से और आप दूसरा बना रहे। अरे यार ये डिजाइन वाला बनाने लगे, दूसरे वाला एक तैयार हो गया, इधर दूसरा डिजाइन वाला बनने लगा।
मैं इसी तरह क्लिप ले रहा हूँ। अच्छा डिजाइन बना रहे हो, बताओ ना यार। डिजाइन वाला कुछ तरह काटा जाता है, काट दिए। अच्छा ठीक है, अब तो टिंकर निकालेंगे इस तरह से। मोटे वाला चूज करते हैं, कौन सा वाला? मोटे वाला। सही, मोटे वाला टिंकर निकालेंगे। और यहाँ पर इस तरीके से लगा देना, टिंकों को बांधा जा रहा है डोर के साथ। वैसे आप धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, अगर आपके पास डोर नहीं है तो अवेलेबल नहीं है, धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे, तो यहाँ पर इस तरीके से टिंका लगा दिया क्रॉस में। आप दूसरा इस तरफ लगेगा, दूसरा क्या होना चाहिए? लचकदार होना चाहिए, टिंका तो होता ही लचकदार है ना। चलो यहाँ पर तो यूं इसको धागे को लपेट दिया जाएगा उसकी तरफ। तो आप क्या करेंगे जी, टिंका लगाएंगे और बाकी इस तरह लगता है। इस तरह कटिंग नहीं है, इस तरह रुक जाना, एक बार रुक दे, रोक देना इसको, वापस कर देना। चलो तो जी, पतंग हो चुका है तैयार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अल्लाह।